नमस्ते, मैं रजत हूं और आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। चुनाव का खुमार सर चढ़कर बोल रहा है, कुछ दिनों में नतीजे आने वाले हैं, 23 मई को पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा। लेकिन जब माननीय अपने गांव में पहुंचते हैं, अगर वो 5-5 साल तक शक्ल नहीं दिखाते तो जनता उन्हें कैसे ट्रीट करती है, वो आप इस खबर से जान जाएंगे। दरअसल आप मेरे पीछे हेडर पढ़ पा रहे होंगे कि मोदी फैन के सामने बेबस नजर आए कांग्रेसी नेता कौन है। तो मैं बताने वाला हूं आपको कि ये खबर कहां की है, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हम ये खबर क्यों कर रहे हैं और किसका ये सवाल था। हमारी एक टीम बाड़मेर राजस्थान में थी, जहां रिपोर्टर हमारे निखिल, उन्होंने एक वर्कशॉप की फेसबुक के साथ मिलकर, जहां हम फेक न्यूज़ से कैसे बचें ये हम लोगों को बताते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं और लोग हमें बताते हैं कि उन्हें किस तरह की फेक न्यूज़ मिल रही है। इसी कड़ी में बाड़मेर में टीम हमारी पहुंची थी, वहां पर हमें मिले विक्रम सोनी, उन्होंने हमारी वर्कशॉप अटेंड की और एक खबर पर उन्हें शक था, जिसमें वो देख पा रहे थे कि कांग्रेसी नेताओं को काफ़ी खरी खोटी सुनाकर गांव से भेजा जा रहा है। तो उन्हें लग रहा था कि ये वीडियो, आवाज़ से वो जज करने की कोशिश कर रहे थे कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश का हो सकता है कहीं से, तो वो चाहते थे कि हम उस चीज़ की पड़ताल करें और उन्हें इस चीज़ के बारे में बताएं। मेरा नाम विक्रम सोनी है, मैं बाड़मेर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे पास एक वीडियो आया है यूपी साइड का लग रहा है आवाज़ से, उसमें क्या है कि कांग्रेसी नेता वहाँ पर वोट मांगने के लिए जाते हैं, तो वहाँ के लोकल लोग उनसे पूछते हैं कि आपने यहाँ काम क्या करवाया, कब से आने लगे हो, 5 साल में एक बार आपके दर्शन हुए, मैं आपको वोट नहीं देना चाहता हूँ, आप यहाँ से भाग जाओ। तो वहाँ से उनको भाग के निकालते, फिर गांव वाले उनका सपोर्ट करने लगते कि भाई तू ऐसा मत कर, मैं तेरे को सब जानता हूँ। उस बारे में ये न्यूज़ देखना चाहता हूँ कि सही है या गलत है। दावा क्या किया जा रहा है? दावा है वोट मांगने गए कांग्रेस के कुछ नेताओं का विरोध हो रहा है। वीडियो में शख्स कह रहा है कि अगर मोदी आ गया तो 5 साल के अंदर 50% नेता जेल में होंगे, और वीडियो में आवाज़ से लग रहा है कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश का है। तो ये वो हैं नेता, जो नेता भाग रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, और ये हैं साहब जिन्हें आप कह सकते हैं कि ये मोदी फैन हैं, और ये ट्रोल बोल सकते हैं इसे, कि वो उनको खरी खोटी सुना रहे हैं। दरअसल एक जागरूक नागरिक की तरह उनसे सवाल कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि क्या हमें सवाल करने का हक नहीं है, क्या हम सवाल नहीं पूछेंगे, अगर आप यहाँ के नेता हैं और अगर हमारे गाँव में आए हैं तो क्या हम सवाल आपसे पूछ नहीं सकते। तो ये बात इन्होंने कही। दरअसल ये वीडियो हमने इंटरनेट पर टटोला तो हमें ये दरअसल वीडियो मिला उत्तर प्रदेश की बजाय हरियाणा का। कई लोकल न्यूज़ चैनलों ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया था। ये वीडियो जो है, ये है रेवाड़ी की बावल तहसील का, हरियाणा में जिला है रेवाड़ी, वहाँ की तहसील है बावल। बावल तहसील का ये मामला है। यहाँ पर लोकसभा की जो सीट है वो गुड़गांव पड़ती है। गुड़गांव सीट पर उम्मीदवार हैं कांग्रेस से कैप्टन अजय यादव, उनका सामना हो रहा है भाजपा के राव इंद्रजीत से। तो जो ये कैप्टन साहब है, कैप्टन अजय यादव पहुंचे थे बावल गांव में प्रचार करने के लिए, लेकिन बाहर ही वहां पर आप कुछ भाजपा समर्थक उन्हें मिल गए, खासतौर पर जिनका चेहरा मैंने आपको अभी दिखाया वो मिले, और उन लोगों ने तमाम तरीके के सवाल इनसे पूछे और कैप्टन साहब ने जवाब देने की बजाय या किसी भी तरीके की बहस में जाने की बजाय वहाँ से जाना ही बेहतर समझा। तो ये है वो वीडियो जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर बहस हो रही है दो लोगों के बीच। मेरे से बात तो करने की जरूरत ही नहीं है, फिर आप मेरे से बात नहीं कर सकते, आप मेरे सवालों के जवाब नहीं दे सकते। ये कहाँ का है? ये कहाँ का है? ये तो गांव वाला है। अरे यार, पंचायत कहाँ की है? अरे वो मेरे गांव की पंचायत कहाँ की है? मैं आपसे पूछूंगा। नहीं, एक आम नागरिक का अधिकार नहीं है प्रश्न पूछने का? पूछे नहीं, फिर आप क्या क्यों ऐसे बात कर रहे हो? गलती क्या है? गलती 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 देश को लूट करके गलती मान ली, ये सब ठीक है। मैं देश को लूट करके गलती मान ली, ये सब ठीक है। जेलों में कौन जाएंगे? हम भिजवाएंगे जेलों के। बिल्कुल सही कह रहे हो, तेरी बात जायज है। अरे अगले 5 साल के अंदर मोदी आ गया तो कांग्रेस के 50% जेल के अंदर होंगे। ताऊ हम तेरे साथ से। साथ कहता हूँ मैं। साहब गांव तेरे साथ से। किधर से निकल जाएगा आपको? मैं अजय सिंह यादव के बारे में आपको बता दूं, कैप्टन अजय यादव काफ़ी सीनियर नेता हैं हरियाणा में पार्टी, कई बार सांसद विधायक रहे हैं, पिछली हुड्डा सरकार में वित्त मंत्री थे वो हरियाणा के, और वो उन्हें पार्टी का यानी संगठन का आदमी माना जाता है और उनकी अच्छी खासी पैठ है।
गुड़गांव में उनका सामना भी राव इंद्रजीत से हो रहा है और ये काफ़ी टफ फाइट मानी जा रही है दोनों के बीच, क्योंकि दोनों ही दिग्गज हैं, एक इस समय केंद्रीय मंत्री हैं और दूसरे कई बार इलाके में अपना किला फतेह कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर विक्रम सोनी को इस खबर पर शक था, वो जानना चाहते थे कि वीडियो कहाँ का है। तो ये वीडियो हरियाणा के रेवाड़ी जिले की बावल तहसील का है, वहाँ पे बावल गांव के में ही ये चीज़ जो हुई थी। तो अगर आपको भी किसी सी ऐसी ही खबर पर शक हो तो आप हमें लिख सकते हैं, हमारा पता है पड़ताल मेल @gmail.com। मेरा नाम रजत है और कैमरे के पीछे हैं विनीत। शुक्रिया।